हमारी आजादी के बाद, आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता हूं, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज, आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे, आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था, आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग, तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा? पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आंदो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है, हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? क्या स्पॉन्टेनियस, प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ।